हे एवरीवन, वेलकम टू एएसआर यंग आईएएस। आज हम कर रहे हैं साइंस 1 क्लास 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन। वाह, साइंस 1 बहुत बोरिंग है ना, लेकिन हम इसको अब थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। सबसे पहले जब हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो पहला नाम जो हमारे दिमाग में आता है वो है सर इसैक न्यूटन और उनका फेमस जो इंसिडेंट था, एप्पल एप्पल जो उनके सिर पे गिरा। तब उन्होंने सोचा ये क्या हुआ, एप्पल ऊपर से नीचे कैसे आया, ऊपर से साइड्स में क्यों नहीं गया, साइडवेज क्यों नहीं गया और ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों गिरता है, इसका क्या रीजन है। तो उससे उन्होंने इसके सोच ये सोच के हिसाब से उन्होंने ढूंढा ग्रेविटी। ये देखिए, सर आइज़ैक न्यूटन बैठे हैं एप्पल ट्री के नीचे, एप्पल गिरा नीचे, उन्होंने सोचा एप्पल नीचे गिरा कैसे, तो अर्थ उसको पुल कर रहा है। ग्रेविटी क्या होता है, अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल पुल जो है, अर्थ उसको पुल करता है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, पूरा चैप्टर है उस बारे में। और ये अर्थ सिर्फ एप्पल को पुल नहीं कर रहा है, हम जब जंप करते हैं हवा में तो हम डायरेक्टली नीचे ही आएंगे, कुछ भी फेंकेंगे तो नीचे ही जाएगा, तो अर्थ का सेंटर से वो पुल आ रहा है। और ये सिर्फ एप्पल पे नहीं है, ये इवन मून पे, मून अर्थ के गोल गोल घूमता है, तो मून के ऊपर भी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये हम इस चैप्टर में अब समझेंगे। आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपके सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स इजीली कवर हो जाएंगे। और ये पूरा कोर्स 6 मंथ्स में कंप्लीट होगा। हमारे जो इस दो पैटर्न्स में कोर्सेज बनाए गए, एक है स्टिमुलस कोर्स और एक है बूस्टर कोर्स। तो आपको अगर सिर्फ एक्सप्लेनेशंस की जरूरत है तो हमारे स्टिमुलस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में हेल्प की जरूरत है तो हमारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ आप साइंस कर सकते हैं जिसमें साइंस 1 साइंस 2 दोनों कवर होगा। सेकेंड कोर्स है बूस्टर कोर्स जिसमें आपको कंप्लीट कवरेज मिलेगा, क्योंकि सिर्फ एक्सप्लेनेशन सुनना, सिर्फ डाउट क्लियरेंस करना या टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर आपको हम वीडियो पे बता दें, उससे आपकी तैयारी पूरी नहीं होती, आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है। ये देखिए, सारे प्लैनेट्स जो सन के अराउंड घूमते हैं, तो वो भी सन का ग्रेविटेशनल पुल है जो सारे प्लैनेट्स को उसको अपने अराउंड घुमाता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन इन एक्शन, तो ये है। ये देखिए, सर आइज़ैक न्यूटन, वो उन्होंने सिर्फ ग्रेविटेशन नहीं ढूंढा, उन्होंने काफी सारी इन्वेंशन और डिस्कवरीज की है। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू कंस्ट्रक्ट अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप अलग अलग टाइप के होते हैं, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पहली बार कंस्ट्रक्ट करने वाले सर आइज़ैक न्यूटन थे। ये आपकी टेक्स्ट बुक में फैक्ट है तो आपको याद रखना है। और इन्होंने ये सब डिस्कवरी कब की, लॉकडाउन में। लॉकडाउन में जब उनको घर से काम करना था, उस टाइम पे 1665 की बात है, तब सारी यूनिवर्सिटीज क्लोज हो गई थी, जैसे ये कोविड-19 की वजह से स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बंद है। तो उस टाइम पे ब्यूबोनिक प्लेग आ गया था, प्लेग बीमारी आ गई थी जिसकी वजह से सारी यूनिवर्सिटीज बंद थी, उनकी यूनिवर्सिटी टेम्परेली बंद थी और वो घर बैठे थे। और घर बैठे क्या करे, कैसे टाइम पास करे, क्या देखे, क्या मूवीज देखे, नेटफ्लिक्स है, क्या है, गेम्स है, वो नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्कवरीज की है। उन्होंने ये ग्रेविटी भी डिस्कवर उसी टाइम पे किया था, कैलकुलस उन्होंने ढूंढा है, उन्होंने इन्वेंट किया। कैलकुलस इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये सारी फैक्ट्स आपकी बुक में मेंशन है तो आपको याद रखना है। न्यूटन डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड अ न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड कैलकुलस। ये सब उस टाइम पे उन्होंने किया। दिस वॉज द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ हिज लाइफ। उन्होंने अपना टाइम सबसे अच्छा इस टाइम पे इस्तेमाल किया जब वो घर पे थे, जब उनकी यूनिवर्सिटी बंद थी। उन्होंने एक बुक लिखी है, किताब का नाम है द प्रिंसिपिया, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये देखिए, ग्रेविटी ढूंढना, कैलकुलस, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम देखेंगे, न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, ये सारा न्यूटन की डिस्कवरीज है। अब आते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे। तो पहला लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है कहीं पे रेस्ट पे, तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। इसमें क्या नई बात है, हमको पता है, अगर ऑब्जेक्ट कहीं पड़ा है तो वो वहीं पे रहेगा। जैसे अगर आपकी किताब कहीं पड़ी है, आप खोलोगे नहीं तो वो वहीं पे रहेगी, वो अपने आप तो खुलेगी नहीं। तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, कोई उसके ऊपर एक्शन आप करोगे तो वो मूव होगा। और ऑब्जेक्ट इन मोशन में है, अगर वो कंटिन्यू कर रहा है तो कंटिन्यू ही रहेगा वो मोशन, जब तक कुछ उसे रुकेगा रोकेगा नहीं। तो यहाँ पे भी जैसे है, यहाँ पे फुटबॉल का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे फुटबॉल को थ्रो करेंगे, बॉल को किक किया है तो बॉल आगे जाएगा, नहीं तो बॉल रेस्ट पे रहेगा, और जब नेट के पास लग के जब एक अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा है तो वो रुक भी जाएगा। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस है, तो हमको लेकिन पता होना चाहिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ऑब्वियस है ये हमको पता ही है। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये क्या है,
ये इससे हमको एक्चुअली ये इसको इवन इनर्शिया के बारे में समझ में आता है, और इवन फोर्स का फॉर्मूला जो है वो हमको समझ में आता है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ से जो पता चलता है, मास इंटू एक्सिलरेशन, एफ इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सिलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला हमको याद रखना है, हम साइंस वन कर रहे हैं, हम फॉर्मूले याद रखेंगे, ये कंसेप्ट क्या है याद रखेंगे। तो मतलब क्या है, अभी कोई चीज है, ये जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मास है, सामान है जिसे पुश करना है, तो फोर्स लगाया जा रहा है, फोर्स से पुश किया जा रहा है। पर फोर्स कितना लगाएंगे, जितना कम फोर्स लगेगा उतना धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, वो जीरो रेस्ट पे, इनिशियली तो रेस्ट पे है लेकिन धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ेगी। कब बढ़ेगी, जब ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो एक्सिलरेशन होगा, उसका मूवमेंट होगा, एक फोर्स लगाएंगे तो एक्सिलरेशन होगा, लेकिन अगर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो एक्सिलरेशन ज्यादा होगा, ज्यादा तेजी से वो गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो यही न्यूटन सेकेंड लॉ है, और ये भी ऑब्वियस है, हमको पता है हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा काम हमारा होगा। तो इफ अप्लाई मोर फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट एक्सिलरेट्स एट अ हायर रेट। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सिलरेशन। मास तो चीज का चेंज नहीं होने वाला है, जैसे हमारा सिलेबस भी चेंज नहीं होने वाला है, हम कितना एक्शन करेंगे, कितना फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर हमारी स्पीड डिसाइड होगी। तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ है। थर्ड लॉ वेरी फेमस, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप कुछ करोगे तो उसका रिएक्शन मिलेगा, आपने पढ़ाई की आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, आपने पढ़ाई नहीं की उसका भी रिजल्ट आपको मिलेगा। तो जैसा आपका एक्शन होगा वैसा रिएक्शन होगा, आपने किसी को थप्पड़ मारा वो भी आपको सामने थप्पड़ मारेगा। ये न्यूटन थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपने अच्छा नहीं परफॉर्म किया, टीचर आपको नेगेटिव रिमार्क्स देगी, आपने अच्छा किया पॉजिटिव रिमार्क्स, एक्शन जैसा वैसा रिएक्शन। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ है, लेकिन साइंस में इसको कैसे समझेंगे, ये देखो जैसे यहाँ पे है एक्शन, ये बॉक्सिंग ही दिखाया जा रहा है, तो ये बॉक्सर बॉक्स कर रहा है तो एक्चुअली इसका एक्शन है, इसका रिएक्शन उसी टाइम आता है। ऐसा नहीं कि ये बॉक्सर जब उसको सामने मारता है तो उसको रिएक्शन है, वो तो हम मजाक में कहते हैं, लेकिन जो एक्चुअल है यहाँ पे देखो आप फिस्ट देख रहे हैं, ये फिस्ट से जो बॉक्सिंग की जा रहा है, पंच मारा जा रहा है, वो पंच से फोर्स आया जॉ के ऊपर, और वो जॉ का फोर्स फिर इसके हाथ पर भी आएगा, क्योंकि बॉक्सर जब मारता है तो उसके ऊपर भी हाथ पे भी जोर आता है, तो वो हाथ पे भी रिटर्न रिएक्शन आता है, तो वो फोर्स आता है। जैसे गन का भी बहुत फेमस एग्जांपल है, जब आप गन चलाते जब शूट करेंगे तो शूट करने से वो जो गोली तो फोर्स से बाहर निकली है, लेकिन वो गोली निकलने के टाइम पे आपके हाथ में जो गन है वो भी पूरी पीछे जाएगी बहुत फोर्स से, तो इट्स नॉट इजी टू शूट विद अ गन। तो वही है, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, बोट से आदमी इस प्लेटफॉर्म पे जाने की कोशिश कर रहा है, बीच में पानी है, तो जब वो बोट को उस तरफ पुश करेगा पीछे अपने पैर से, तो दूसरा पैर से वो आगे बढ़ सकता है। तो ये एक्शन रिएक्शन होता है। इवन रॉकेट का भी बहुत फेमस एग्जाम्पल है, रॉकेट एक्चुअली जो है फ्यूल यूज करके जो है एग्जॉस्ट से पूरा प्रेशर जमीन पे डालती है, तो फ्यूल जब ये एग्जॉस्ट से जब गैसेस नीचे आते तो रॉकेट ऊपर जाती है, एक्शन उसका नीचे है लेकिन रिएक्शन उसको ऊपर मिल रहा है और रॉकेट ऊपर स्पेस में जाती है। बॉल बलून का भी है, जैसे बलून है, हम जनरली बलून फुलाते हैं, जब बलून फुलाएंगे और उसको छोड़ देंगे हवा को बाहर निकलने देंगे, हवा कहाँ जा रही है नीचे, लेकिन बलून कहाँ जाता है हवा में ऊपर उड़ता है। तो दिस इज एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फिर ये तीनों का जो है लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमको सेकंड लॉ से पता चलता है, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सेलरेशन, और एक्शन रिएक्शन थर्ड लॉ। तो ये न्यूटन्स थ्री लॉज हमको आने चाहिए। न्यूटन के तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन भी है जो हमने लास्ट ईयर किए, वो भी एक बार देख लेते हैं। ये तीन इक्वेशंस है, ये आपको याद होने चाहिए, नाइन्थ में आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको ऑलरेडी याद होंगे। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो यहाँ पे क्या है, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, s इज डिस्प्लेसमेंट, a इज एक्सिलरेशन, t इज टाइम। एक्सिलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड है, स्पीड एक्चुअली स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है जिसके अंदर स्पीड मतलब जो मैग्नीट्यूड होता है वैल्यू होती है कि स्पीड अगर कितना किलोमीटर है वो समझ में आता है, लेकिन उसके साथ डायरेक्शन भी साथ में होता है कि आगे गई गाड़ी के पीछे गई के कैसे गई। तो वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, दोनों की यूनिट्स मीटर पर सेकेंड है। डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस, कितना कवर हुआ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अगेन इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, एक्सिलरेशन इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। एक्सिलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जैसे हम गाड़ी का एक्सिलरेशन करते हैं, एक स्पीड पे गाड़ी चले जा रही है मतलब एक्सिलरेशन, एक्सिलरेटर नहीं दबाया जा रहा है, अगर एक्सिलरेटर दबाया जाएगा
तो गाड़ी और स्पीड से बढ़ेगी, मतलब उसकी स्पीड चेंज होते जा रही है। क्या स्पीड क्या हिसाब से चेंज हो रही है, उसके हिसाब से एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे जो आपकी बुक में है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, मतलब सेंटर पे एक्ट करता हुआ फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। आप एक काम करो, एक बच्चे को बीच में बिठा दो, किसी को एक को बीच में बिठा दो, और उसके गोल गोल आप सर्कल में घूमो, घूमते जाओ घूमते जाओ। आपको कैसे लगेगा, आपकी बॉडी के ऊपर एक पुल आएगा, आप झुकेंगे, किस तरफ झुकेंगे, बच्चे की तरफ, सर्कल के सेंटर की तरफ, जहां पे वो बच्चे को आपने सेंटर में बिठाया। तो ये जो फोर्स है इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब कोई भी बॉडी जब एक सर्कुलर मोशन में होती है, उसको मेंटेन किया जाता है सर्कुलर मोशन में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होता है। और इसका डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर की तरफ, ठीक है। और ये अभी यहाँ पे एक बात है कि अगर उस बॉडी को अगर छोड़ दिया, अगर यहाँ पे तो आपकी बॉडी आपका कंट्रोल है, आप अपने हिसाब से उसको स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई स्टोन है, अगर उसको हम गोल गोल घुमा रहे हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी है सेंट्रीपिटल फोर्स का, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे कोई बीच में है और ये ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब ये गोल गोल घूम रहा है तो फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में आपने एक रस्सी पे पत्थर बांधा और उस पत्थर को आप ऐसे हवे में गोल गोल घुमा रहे हो, तो पत्थर तो गोल गोल घूम रहा है, उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। और सडनली अगर आप उसको छोड़ दोगे वो पत्थर को, तो पत्थर कैसे जाएगा, सीधे जाएगा, सीधे यहाँ से रिलीज हो गया, अगर धागा टूट गया तो ये पत्थर सीधे जाएगा टेंजेंट पे। सर्कल आप करोगे तो टेंजेंट आपको समझेगा, ये एक टेंजेंशियल लाइन है, ये पॉइंट से एक लाइन है, रेडियस से परपेंडिकुलर होती है, तो ये टेंजेंट पे जाएगा। तो वही यहाँ पे भी मेंशन किया गया कि अगर ऑब्जेक्ट रिलीज कर दिया जाएगा तो वो एक टेंजेंट पे आगे जो है स्पीड से चला जाएगा। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये ऑब्वियसली साइंस इज एक्सपेरिमेंट, साइंस इज प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकली जो होता है, एक्चुअली जो होता है वही साइंस है। तो कोई हमको कोई नए कंसेप्ट नहीं समझ रहे, ये सब हमको ऑब्वियसली पता है कि ऐसे होता है। सिर्फ यहाँ पे नाम आ जाते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इसे कह के वो कहाँ एक्ट कर रहा है, इसके ऊपर थोड़ा दिमाग से सोच के याद रखना है, बाकी सब कुछ तो ऑब्वियस ही चीजें है, न्यूटन्स लॉज भी ऑब्वियस है, तो कोई नई चीज नहीं होती साइंस में। सिर्फ थोड़े नाम आ जाते हैं, टर्मिनोलॉजीज आ जाते हैं, वो आपको याद रखने हैं, थोड़े पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे ये फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ये सेंटर को डायरेक्ट किया होता है, इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होता है, ये सब चीजें याद रखनी है। स्टेटमेंट्स है तो स्टेटमेंट्स याद रखने, डेफिनेशन जब हम आंसर्स लिखेंगे तो हमको डेफिनेशन चाहिए तो वो याद रखने। अब देखते हैं सेंट्रीपिटल का फोर्स का डेफिनेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स डेफिनेशन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सिंपल, हमने समझ लिया ये सेंट्रीपिटल का मतलब ही होता है सेंटर सीकिंग, के सेंटर की तरफ झुकाव है उसका, सेंटर को ढूंढ रहा है। तो ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। अगले कंसेप्ट पे जाएंगे, ये है उसका डेफिनेशन भी। अगले कंसेप्ट पे जाने से पहले वही चीज है, हमको इसका एक्चुअली ये फॉर्मूला है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv2/r। ये कैसे आया ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला का डेरिवेशन, एक्चुअली हम एक अलग वीडियो बनाएंगे न्यूमेरिकल्स पे, तब हम करेंगे। अभी ये थोड़े बोरिंग चीजें हम यहाँ पे थोड़ा छोड़ रहे, उसको हम जरूर करेंगे, पूरा एक्सप्लेन होगा। तो ये है यहाँ पे देखो सेंट्रीपिटल फोर्स mv2/r, m इज मास, v इज वेलोसिटी, r इज रेडियस। फिर अगले साइंटिस्ट जो आते हैं, पहले साइंटिस्ट की हमने बात की सर आइजैक न्यूटन, अगले साइंटिस्ट जो आते हैं वो है जोहानस केपलर, इनके बारे में भी पता करना है। और ये एक्चुअली न्यूटन से भी पहले थे, ये देखिए जोहानस केपलर, इनके लॉज है हमारी टेक्स्ट बुक में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो हमको 9th स्टैंडर्ड में थे, 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस में है केपलर्स 3 लॉज, तो वो हम देखने, ये 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन है तो हम वो देखेंगे। इनका टाइम फ्रेम भी याद दिया गया, इवन टिको ब्रे के बारे में भी आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये एक्चुअली जोहानस केपलर से भी पहले थे। तो ये 3 साइंटिस्ट प्रोमिनेंट साइंटिस्ट है, जोहानस केपलर, यू कैन सी ही डाइड इन 1630, आइजैक न्यूटन वाज बोर्न इन 1643। और इवन जोहानस केपलर के जो लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन है उसके बेसिस पे उनको प्रूव करने के लिए ग्रेविटी से सर आइजैक न्यूटन ने काम किया था। न्यूटन उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन उसके हिसाब से लाई, और जोहानस केपलर उन्होंने ये लॉज दिए, जो ये लॉज उन्होंने ऑब्जर्वेशन से दिए, वो प्लैनेट्स एस्ट्रोनॉमर थे, प्लैनेट्स को देखते थे, वो देख के देखते थे कि क्या क्या हो रहा है। जैसे हमने बात की ऑब्वियस ये चीजें होती है, उसको लॉ बना दिया कि ये लॉ है क्योंकि ये हो रहा है, तो उन्होंने भी सिर्फ ऑब्जर्व किया, देखा ऐसे होता है, तो उन्होंने बोला ये लॉ है।
तो ऐसे ऑब्जर्वेशन से ही उन्होंने लॉज बनाए। तो केपलर्स लॉज देखेंगे, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, तीन लॉज है यहाँ पे भी, ध्यान से समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पार्ट है आपके सिलेबस का। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में तो हमने आपको पहले ही बताया है, तो आपको अगर फुल सिलेबस कवरेज चाहिए तो आप हमारे कोर्स की डिटेल्स यहाँ पे है देख सकते हैं, और डिटेल्स भी हमारे कॉन्टेक्ट से आप पता कर सकते हैं। केपलर्स लॉज समझने से पहले हमको समझना है कि एलिप्स क्या होता है। हमने सर्कल समझा है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ये सारे शेप्स हमने समझे। एलिप्स शेप भी एक होता है, इसको समझना, ये सर्कल नहीं है, ये एलिप्टिकल है। एलिप्स क्या होता है, ये आपको दिख रहा है यहाँ कोन है, कोन को अगर हम हॉरिजॉन्टली काटेंगे सीधा सीधे तो सर्कल आएगा, सर्कल शेप आएगा, जो कोन का बेस होता है वो सर्कल होता है। लेकिन अगर स्लांट काटेंगे तो वो सर्कल नहीं होगा, वो जो शेप होता है उसे कहते हैं एलिप्स। सर्कल में एक सेंटर होता है, एलिप्स में दो पॉइंट्स होती है, F1 और F2, ये दो पॉइंट्स को फोकस बोलते हैं, और दोनों प्लूरल में बोलेंगे फोकाई। तो ये दो फोकस है, आप देख सकते हैं फोकाई F1 और F2। और ये एलिप्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम कोई भी पॉइंट, अगर ये एलिप्स, ये ब्लू एलिप्स है, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे, ए लो, बी लो, सी लो, कहीं भी पॉइंट लो, अगर हम F1 और F2 से उनको कनेक्ट करेंगे, जैसे F1 भी F2 भी, तो BF1 BF2 जैसे भी आप बोलो उसको, तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो एक ही वैल्यू है कि जैसे F1 भी, BF1 प्लस BF2 इज इक्वल टू AF1 प्लस AF2, मतलब अगर ये 10 है, ये 15 है, तो 35 हो गया, अगर ये 12 होगा तो ये फिर 23 होगा, तो 35 ही होगा, मतलब तो हमेशा एडिशन जो है वो एक ही वैल्यू आएगी। वैसे यहाँ पे CF1 प्लस CF2 भी हमेशा सेम ही रहेगा, तो कोई भी पॉइंट से लो, तो ये एलिप्स की प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर आते हैं हम केपलर्स फर्स्ट लॉ पे। व्हाट इज केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन? तो केपलर्स फर्स्ट लॉ इज सिंपल, वो कहते हैं कि जो प्लैनेट्स हमारे हमारे जो सेलेस्टियल बॉडीज है, प्लैनेट्स है, जैसे सन इज अ स्टार, सन इज अ स्टार, ये आपको पता होना चाहिए, सन एक स्टार है, स्पेस में बहुत सारे स्टार्स है, सन इज वन ऑफ देम, और सन जो है उसके अराउंड फिर प्लैनेट्स गोल गोल घूमते हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स एंड सो ऑन। तो ये जो प्लैनेट्स गोल गोल सन के गोल गोल घूम रहे हैं, तो ये सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होती, सर्कल में नहीं गोल गोल घूम रहे, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहे। तो ये उनका फर्स्ट लॉ है कि ये ऑर्बिट जो है सर्क्यूलर नहीं है, एलिप्टिकल है। और सन कहाँ है? अगर ये एलिप्स है, ये प्लैनेट है, जैसे रेड में आपको दिख रहा है, प्लैनेट इस सन के गोल गोल घूम रहा है। तो जो सन कहाँ है, अगर सर्कल होता तो सन हम समझते हैं सेंटर पे, लेकिन ये ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है, एलिप्टिकल है, तो फिर सन कहाँ है? सन विल बी एट वन ऑफ द फोकस। तो ये उनका फर्स्ट लॉ है, ठीक है। तो ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकस, ये टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है, आपको याद रखना है, और सिंपल है, समझ में भी इजीली आ सकता है। एलिप्स है, भी सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि प्लैनेट जो सन के गोल गोल घूमते हैं, सर्कल में नहीं घूमते, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते, एलिप्स में घूमते, सिंपल। दिस इज केपलर्स फर्स्ट लॉ। अब जाते हैं केपलर्स सेकेंड लॉ पे भी, ये आपको दिखता है यहाँ पे, प्लैनेट सन के गोल गोल घूम रहा है, ये एलिप्स है, राइट। और यहाँ पे एक चीज आप और ऑब्जर्व करो कि जब प्लैनेट दूर है सन से तो स्लो जा रहा है, पास है सन के तो फास्ट जा रहा है, ये आपको वीडियो में क्लियरली दिखेगा, देखो स्लो मोशन, अब फास्ट हो गया। तो ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन से ये भी पता किया। तो अब देखते हैं केपलर्स सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ भी। तो केपलर्स सेकेंड लॉ क्या है एक्चुअली, अभी सन यहाँ पे एलिप्स के फोकाई पे है, प्लैनेट ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में है, प्लैनेट इज ऑर्बिटिंग। अब प्लैनेट कैसे है, हमने देखा जब सन से दूर प्लैनेट होता है तो स्लो जाता है। तो ये एक, अगर समझो हम अगर थोड़े टाइम की बात करें, जैसे एक दिन की बात करें, तो अगर जैसे अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन 365 डेज, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है, तो अगर ये एक दिन में समझो ये प्लैनेट यहाँ से ये पॉइंट पे आया, तो ये स्लो मोशन है, एक दिन में इतना ही डिस्टेंस कवर किया जब सन से दूर होगा प्लैनेट। लेकिन जब प्लैनेट सन के पास होगा तो क्या करेगा, एक दिन में ये पॉइंट से यहां तक आ जाएगा, इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा, क्योंकि सन के पास है। यहाँ पे स्पीड बढ़ जाती है, यहाँ पे स्पीड कम होती है। तो इससे क्या होता है, जो सन से अगर हम ये एरिया बनाएंगे, ये लाइन सन ज्वाइनिंग द प्लैनेट बनाएंगे, अगर एक लाइन बनाएंगे, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, तो अगर इसका हम देखेंगे कि एक दिन में ये यहां से यहां आया, मतलब ये लाइन कितना एरिया कवर कर रही है, ये लाइन यहाँ से ये लाइन यहाँ बन गई अब, तो ये जो एरिया कवर हो गई है, तो ये एरिया इक्वल रहेगी, मतलब ये एरिया एक्स है, आप देख रहे हैं चौड़ा सा ऐसा शेप है, एरिया है इतना, और ये जो है यहाँ पे एरिया कैसे है, यहाँ से इतना ही ट्रेवल किया,
ये लाइन सन से प्लैनेट को ज्वाइन किया, जो ये अभी एक दिन के बाद यहां तक की आई है, जब प्लैनेट सन से दूर है। तो ये जो है ये एरिया वाई है, और ये फैक्ट है कि एरिया एक्स और एरिया वाई इक्वल हो, समझ रहे? तो ये दो एरियाज इक्वल है, ये चौड़े में जगह है और ये पतले में लंबी जगह है, ऐसे। तो ये दो एरियाज इक्वल है। इसका सेकेंड लॉ का डेफिनेशन क्या है, स्टेटमेंट है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। हमारे एग्जाम्पल में हमने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम किया ना, एक दिन, एरिया जो है इक्वल रहेगी। तो ये इक्वल एरिया आपको याद रखना है। तो ये हो गया केपलर्स सेकेंड लॉ। फिर केपलर्स थर्ड लॉ क्या है, ये केपलर्स थर्ड लॉ है, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखनी है, एक जो टर्मिनोलॉजी है वो है टी। टी क्या है, कैपिटल टी, पीरियड ऑफ द ऑर्बिट। मतलब जैसे अर्थ के लिए 365 डेज है, हर प्लैनेट के अलग अलग दिन है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो पीरियड ऑफ द ऑर्बिट जो है वो कैपिटल टी है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। और आर क्या है, आर इज रेडियस, कि सन से अर्थ कितना दूर है, तो वो अर्थ रेडियस है, तो वो रेडियस जो ऑर्बिटल रेडियस और पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, ये दो टर्मिनोलॉजी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब टी स्क्वायर और आर क्यूब जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब के द स्क्वायर ऑफ द प्लैनेट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। तो टी को स्क्वायर करना है और आर को क्यूब करना है। तो ये दो दो कंसेप्ट्स जो है, टी क्या होता है और आर क्या होता है, समझ में आना चाहिए। और हर प्लैनेट के लिए जो सन के अराउंड ये घूम रहे, तो हर एक प्लैनेट का जो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब होगा, सबका वैल्यू इक्वल आएगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये केपलर्स थर्ड लॉ है। यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला आता है, बट इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये देख सकते हैं आप, केपलर्स थ्री लॉज दिए गए हैं। तो अब टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ केपलर्स थ्री लॉज देख रहे थे और इनको याद करना है आपको। स्टार्ट करते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ। व्हाट इज इट, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई, क्लियर। केपलर्स सेकेंड लॉ, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सिंपल। केपलर्स थर्ड लॉ, स्क्वायर ऑफ प्लैनेट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये भी अभी देखा हमने। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, जैसे अगर जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो कैपिटल टी, आर इज द रेडियस, तो फिर टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज कॉन्स्टेंट, सिंपल। ये टेक्स्ट बुक का कंटेंट है, आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला कंसेप्ट है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो केपलर्स लॉज के बाद एक न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी है, जो हमारे टेक्स्ट बुक में न्यूटन्स थ्री लॉज जो है वो हमारे नाइन्थ के टेक्स्ट बुक में था। ये टेंथ का सिलेबस है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब ग्रेविटेशन हमने समझा, एप्पल सिर पे गिरा। अब कैसा है, एप्पल सिर पे गिरा तो एप्पल को अर्थ ने पुल किया, लेकिन यूनिवर्सल लॉ कैसा है कि यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाती है। मतलब आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स भी है, जैसे दो बच्चे बैठे, दो बच्चे हैं, जैसे कि महेंद्र और विराट, ये दो नाम दिए गए आपकी बुक में, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली, आप समझ लो। तो ये दोनों बैठे एक बेंच पे, और अगर यहाँ पे भी इनके बीच में एक्चुअली फोर्स है, लेकिन वो कैसे है, फ्रिक्शनल फोर्स, बाकी सारे फोर्स होते हैं, तो वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रांग फोर्स नहीं है, तो एक्ट नहीं करता। वरना अगर बाकी सारे फोर्स ना हो, तो ये दो का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से दोनों पुल हो जाएंगे, मतलब पास आ जाएंगे, बेंच पे दूर है तो पास में आ जाएगी। तो ये न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स, और वो फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अलोंग द लाइन ऑफ सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। मतलब दोनों के बॉडी के मास का सेंटर जो है, वहां से ये दो ऑब्जेक्ट जो है वो एक्ट हो रहे, दो फोर्स एक्ट हो रहे और जो इनको पुल कर रहे, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू कैसे होगा, जितना ज्यादा मास होगा, जैसे हमारा मास कितना है, हमारे ह्यूमन, एक ह्यूमन का मास कितना होगा, लेकिन अर्थ का मास कितना है, तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो काफी ज्यादा है, इसीलिए वो हम पे एक्ट करता है। तो वही है, तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच में, तो ये मास के प्रोडक्ट, मतलब m1 into m2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, उसके ऊपर ये डिपेंड है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि कितना दूर है, जितना दूर होगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक्ट नहीं करेगा, जितना पास होगे उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। तो इससे एक्चुअली न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमको ये एक एक्चुअली फॉर्मूला भी मिलता है एफ का,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब एम वन एम टू ऊपर आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के तो आर स्क्वायर नीचे आएगा, और प्रोपोर्शन है तो हमको एक कॉन्स्टेंट डालना पड़ेगा, और वो कॉन्स्टेंट जो डालते हैं वो है कैपिटल जी, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। तो हम ये और डिटेल में देखेंगे। ये देखिए, ये दो मास है और ये डिस्टेंस उसके बीच में डी है, तो ये फोर्स एक्ट करेगा, ये दोनों फोर्स एक ही फोर्स है एक्चुअली, दोनों फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये आपका टेक्स्ट बुक का डायग्राम है, ये देखिए। तो फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर, डी बोलो या आर बोलो, जो आप जो लेटर आप यूज करोगे वो आपके फॉर्मूले में आएगा। कभी डी स्क्वायर भी लिखते कभी आर स्क्वायर भी लिखते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस द डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, और जी जो कॉन्स्टेंट है तो उसकी एक फिक्स वैल्यू है, वो है 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सिंपल, ये डेफिनेशन, ये फॉर्मूला याद रखो, यही है। तो F is gravitational force, gravitational constant, दो मास है और ये distance है, ठीक है। अब यहाँ पे ये use your brain power आपकी टेक्स्ट बुक का है, इसके अंदर g की वैल्यू हमने ऑलरेडी देखी 6.67 into 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर भी कैसे आया, क्योंकि g को अगर अकेला करेंगे तो f यूनिट न्यूटन है, d इज डिस्टेंस मतलब मीटर स्क्वायर, तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में लेफ्ट लेफ्ट साइड पे ऊपर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये दो केजी है, केजी मल्टीप्लिकेशन है तो केजी स्क्वायर, तो ये डिवीजन में यहाँ चला जाएगा, तो जी की यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और ये वैल्यू भी फिक्स है 6.67 इंटू 10^-11। और एक फैक्ट दिया आपकी बुक में कि जो ये वैल्यू ऑफ जी है 6.67 इंटू 10^-11, ये पहली बार एक्सपेरिमेंटली मेजर किया था साइंटिस्ट हेनरी कैवेंडिश ने, तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनेट फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ऑलरेडी हमने ये देखा, हमको ये क्लियर हो गया, ये टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है जो आपको याद रखना है, और मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको याद करने में। फिर आगे क्या है, इफ द टू बॉडीज आर स्फेरिकल, तो उनका डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे होगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स, तो स्फीयर्स है तो सेंटर होगा, लेकिन अगर बॉडी नॉन स्फेरिकल है, इरेगुलर शेप है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा, वो सेंटर से नहीं आएगा, कहां से आएगा, लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ मास, ये भी टेक्स्ट बुक में मेंशन किया गया, और सेंटर ऑफ मास भी पूरा एक बॉक्स है आपका, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, अब ये हमको समझना है। तो अब समझते हैं सेंटर ऑफ मास, तो मतलब सेंटर ऑफ मास मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका पूरा मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, अगर एक पॉइंट में पूरा सब कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो तो पॉइंट जो होगा वो सेंटर ऑफ मास होगा। मतलब अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी की कोई ऑब्जेक्ट है, अगर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो उसका सेंटर ऑफ मास उसका सेंट्रॉइड ही होगा, जैसे कि जो हम अगर दो एक्सिस ज्वाइन करेंगे रेक्टेंगल की, तो जो सेंटर पॉइंट आता है ये सेंटर ऑफ मास है, सर्कल है तो उसका सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होगा, ट्राइंगल है तो उसका ये सेंट्रॉइड आप देख सकते हैं ये सेंटर ऑफ मास होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इरेगुलर शेप्ड है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा वो भी समझना चाहिए। जैसे कि ये रिंग है, अब ये रिंग है तो इसके भी अंदर भी सेंटर ऑफ मास ये सेंटर में ही है, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास कहाँ है, आउटसाइड द ऑब्जेक्ट है, तो सेंटर ऑफ मास आउटसाइड द ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ये आपको समझना चाहिए। ये सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, उसके ज्यादा आपकी बुक में नहीं है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा साइंस प्रैक्टिकल है, तो सेंटर ऑफ मास, जैसे हम अगर एक छोटी बहन है बड़ा भाई है, सीसॉ खेल रहे, तो सीसॉ खेलेंगे अगर दोनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठेंगे तो क्या होगा, बहन हमेशा ऊपर रहेगी, भाई बड़ा है हैवी है, भाई हमेशा नीचे रहेगा, तो क्या करना चाहिए, भाई थोड़ा आगे आ जाए, तो क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ मास जो है वो बैलेंस हो जाता है, फिर बराबर सीसॉ होगा। तो ये जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है सेंटर ऑफ मास का, दोनों का एडिशन, मतलब हम क्या देख रहे हैं, दोनों बच्चों का वेट का एडिशन करके जो दोनों का सेंटर ऑफ मास है तो उसको हम सेंटर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास दोनों का सेंटर में होगा तो ये बैलेंस होगा और दोनों सीसॉ अच्छे से खेल पाएंगे। तो ये है, तो जहां पे मास कॉन्सेंट्रेट रहेगा दोनों का मिला के, ऐसे ये सब सिर्फ एक्चुअली कंसेप्ट है, कहीं पे मास तो हमारी बॉडी में रहता है, कहीं जाता नहीं है, पर ये कंसेप्ट है साइंस। अब दूसरा पॉइंट जो आपकी बुक में लिखा है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स। अब यूनिवर्स में काफी सारे फोर्सेस होते हैं, मेन फोर्सेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन जो सारे फोर्सेज है उसमें से सबसे वीक फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। आप देख सकते हैं 10^-38 रिलेटिव स्ट्रेंथ,
ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स, है ना। और एक कंसेप्ट जो आपकी बुक में लिखा है वो है हाई टाइड और लो टाइड के बारे में, ये भी ग्रेविटी की वजह से होता है। जैसे हम देखते हैं समुन्दर में लहरें जोर से उठती है तो वो हाई टाइड होता है, लो टाइड होता है जब समुन्दर की लहरें पीछे चली जाती है। तो हाई टाइड लो टाइड क्यों होता है? ये ग्रेविटेशन की वजह से होता है। अब ये कैसे होता है, ग्रेविटेशन की वजह से टाइड्स कैसे आती है, चलिए समझते हैं। ये देखो, ये एक्चुअली कौन ग्रेविटी से पुल कर रहा है? अर्थ नहीं, ये मून को पुल कर रहा है, मून वाटर को पुल कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून एक्टिंग ऑन वाटर ऑन द अर्थ, तो उससे जो है बल जा जाता है, पानी ऊपर आ जाता है तो हाई टाइड हो जाता है। तो ये हिसाब से जो है दिन में 2 बार हाई टाइड्स और लो टाइड्स आती है। तो ये देखिए मून के बेसिस पे, तो जिस तरफ मून होगा तो वहां पे हाई टाइड होगा, यहाँ पे ऑपोजिट जो है राइट एंगल पे वहां पे लो टाइड होगा। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून है। तो 2 हाई टाइड्स पर डे होते हैं, मून पुल्स द वाटर टुवर्ड्स इट्स वन एंड। फिर आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, मास और वेट। अब मास और वेट ये 2 अलग अलग कंसेप्ट है। हम कहते हैं वजन, वजन मतलब वेट बोलते हैं, तेरा वेट कितना है, वेट बढ़ा है कम हुआ है, हम वेट के हिसाब से बात करते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर साइंस में पढ़ोगे तो वो मास जो है उसकी यूनिट केजी है, कितना किलो, तो मास होता है वो। वेट जो होता है वेट की यूनिट है न्यूटन। तो ये फर्क समझो, अब मास और वेट में क्या फर्क होता है। हमारा मास जो है वो चेंज नहीं होगा, हमेशा सेम रहेगा, लेकिन वेट जो है वो चेंज होगा। तो दोनों चीजें अलग है, एक ही नहीं है, मास एंड वेट। अ लॉट ऑफ पीपल यूज दीज वर्ड्स टू मीन द सेम थिंग बट दे आर वेरी डिफरेंट। तो अब ये समझते हैं मास और वेट क्या अलग है। जैसे हम कहते हैं वेटलेसनेस इन स्पेस, तो ये हमारे बुक में भी आगे आने वाला है टॉपिक। तो वेटलेसनेस इन स्पेस जैसे होता है, मास जो है, मास तो ऑब्जेक्ट का सेम रहेगा, जितना किलो आपका वजन है वो रहेगा, लेकिन वेट जो है आपका वो चेंज होगा। वेट मतलब फोर्स। तो फोर्स जो है, फोर्स क्या होता है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, वेट की यूनिट भी न्यूटन होती है। फोर्स का फॉर्मूला याद रखना है, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास और एक्सेलरेशन दोनों एक्ट कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो अगर अर्थ पे है तो अर्थ की ग्रेविटी के हिसाब से वेट होगा, अगर और स्पेस में है तो वहां पे जो ग्रेविटेशनल पुल एक्ट हो रहा है उसके हिसाब से होगा। मून पे तो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से होगा, और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से कम है, 1/6 कम है। मतलब जितना आपका वजन अर्थ पे है, अगर अर्थ पे आपका वजन 60 किलो है तो मून पे आपका वजन हो जाएगा 60 न्यूटन्स बोलना चाहिए। अगर 60 न्यूटन्स है तो मून पे आपका वजन हो जाएगा 6 न्यूटन्स, तो ये 10 न्यूटन, सॉरी 1/6, 60 डिवाइड बाय 6 दैट इज 10 न्यूटन्स। तो आपका मून पे वजन हो जाएगा 10 न्यूटन्स। तो ये वर्क है मास और वेट में, मास सेम रहेगा, वेट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। ये देखिए अर्थ पे अगर 100 है तो मून पे हो जाएगा 16.6। तो वेट ऑफ द मून इज नियरली, वेट ऑन द मून इज नियरली 1/6 ऑफ द वेट ऑन द अर्थ। ये टेक्स्ट बुक का स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है। फिर ये वेइंग मशीन जो है, वेइंग मशीन पे आपको वेट नहीं पता चलता, ये याद रखना है। वेइंग मशीन पे आपको मास पता चलता है, केजी पता चलता है, तो दैट इज मास। फिर है ये जो है कंपैरिजन ऑफ मास एंड वेट, ये एक्चुअली आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन भी है, टेक्स्ट बुक के पीछे के सवालों में है क्वेश्चन के आप डिस्टिंग्विश करो बिटवीन मास एंड वेट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। तो ये देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो मास जो है, मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड मास इज सेम एवरीवेयर, वेट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, सो वो सेम नहीं होगा। और मास कभी जीरो नहीं हो सकता, वेट जीरो भी हो सकता है। वेटलेसनेस जब हम कहते हैं कि हाँ, कोई वजन ही नहीं है, तो वो वेटलेसनेस जो होता है हवा में, जैसे स्पेस में हम देखते हैं, स्पेस में लोग फ्लोट करते हैं एस्ट्रोनॉट्स, तो वो जो वेटलेसनेस है मतलब वेट जीरो हो गया उनका। लेकिन मास कभी जीरो नहीं हो सकता, और मास कैन नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू लोकेशन। आप स्पेस में चले जाओगे तो मास नहीं चेंज होगा, बट वेट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। और मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, यूनिट केजी है। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट इज न्यूटन, विच इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो ये आपका जो है डिफरेंशिएट बिटवीन भी हो गया यहाँ पे। अब आज के लिए बहुत हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से हम अभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग, गुड बाय। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट्स।